हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मानी अमित्स व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी शादी का व्लॉग, जिसमें मैंने कुछ पार्ट लिया है लगन का। और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं आगे भी पार्ट्स शेयर करूँगी, बाकी ये आज मैंने लगन का ही पार्ट लिया है। और मेरी शादी को हो चुके हैं 2 साल पहले, मैं आपको ये बता देती हूँ। दिसंबर में मेरी शादी हुई थी 2020 में। तो बस वही मेमोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो दिन होता है वो सारी लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होता है, सारी लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होता है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है अपनी वेडिंग वीडियो देखने के लिए, मैं देखती भी रहती हूँ अक्सर। तो बस सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, तो बस वही शेयर करने जा रही हूँ मैं। और गाइस, जैसा कि मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होता है ये दिन, लेकिन मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही मेमोरेबल हो गया, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे लॉकडाउन था। एक्चुअली मेरी शादी 2 बार पोस्टपोन भी हो गई थी। पहले मई में होने वाली थी, फिर मई में लॉकडाउन हो रखा था, 50 मेम्बर्स वाला हो रखा था। तो हमारी तो फैमिली इतनी बड़ी है, तो 50 मेम्बर्स में तो कुछ होना ही नहीं था। तो फिर हम लोगों ने पोस्टपोन कर दी, फिर दिसंबर में हुई। मतलब 2-3 बार पोस्टपोन हो के दिसंबर में फ़ाइनल हो पाई। फिर दिसंबर में भी जब शादी का टाइम आया तो उससे 5-6 दिन पहले फिर से लॉकडाउन हो गया था। तो बहुत ज़्यादा ही मेमोरेबल हो गई। फिर मेमोरीज ये हो गई कि हमारी शादी पोस्टपोन कितनी बार हुई थी। तो बस आप भी देखते रहिए, इसमें मेरी सारी फैमिली भी आपको मिलेगी, सब लोग आपको देखने को मिलेंगे, मेरी भाभियाँ, मेरे मम्मी पापा, मेरी दादी, जो मेरी दादी मेरी शादी के टाइम पे थी, उसके बाद ही वो एक्सपायर हो गई। तो मिलिए मेरी पूरी फैमिली से। और जब लगन का टाइम होता है ना गाइज, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट ये होता है। चाहे आप कितने भी स्ट्रांग हैं, लेकिन उस टाइम पर आप अपने आंसू नहीं रोक सकते। और स्पेशली तब आप चौकी पे बैठे होते हैं और पापा सामने होते हैं, लगन लिख रही होती है, उस टाइम पे तो कैसे भी आंसू नहीं रुकते हैं और बहुत ज़्यादा रोना आता है उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा मेमोरेबल और मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट सबके लिए होता है। सब लोगों का फेस आपको देखने को मिलेगा कि सब लोग कैसे शांत से होके, बिल्कुल सैड से होके सब लोग बैठे हुए हैं। मतलब खुशी है, लेकिन उस टाइम पे वो सारी चीज़ें है ना, नहीं पता चलती। मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं सभी लोग, लड़की तो होती है, उसके साथ बाकी सब भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो पहले से तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था, मैं तो सोचती थी कुछ नहीं, मैं तो रोऊंगी नहीं, और सब लोगों का परसेप्शन यही था मेरे लिए कि मैं नहीं रोऊंगी। लेकिन जब जाने का टाइम आया ना, अंदर से ही तब जा रही थी, उसी टाइम पे बिल्कुल इमोशनल हो गई और बिल्कुल हंसी ही नहीं आ रही थी। तो आप मेरी फ़ोटोज़ में देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इमोशनल मैं हो रखी हूँ। कोई स्माइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ़ोटोज़ भी सारे ऐसे ही आए मेरे फिर। और मतलब कुछ तैयार होने का भी मन नहीं कर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। बस आके बैठ गई, फिर चौकी पे गेहूँ डालते हैं, जो गेहूँ डाले उसके बाद इतना ज़्यादा रोई, तो वहाँ पे सब लोग चुप करवाने लगे। जो मेरी बुआ थी, दूसरी बुआ हैं, वो मुझे चुप करवाने लगी, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल ही नहीं हुआ। पहले तो मैंने बहुत कोशिश किया कि अंदर ही अंदर चुप हो जाऊँ, कंट्रोल हो जाए, लेकिन नहीं, कंट्रोल नहीं हुआ। बस पापा का फेस देखती और रोना आ जाता, क्योंकि पापा भी सामने बैठे रो ही रहे थे। लेकिन सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उस टाइम पे, तो लग रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है।
और यहाँ पे आप मेरा फेस खुद ही देख सकते हो कैसा हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ने बहुत ज़्यादा मारा है, इतना ज़्यादा गंदा फेस हो गया था। मतलब स्माइल तो आ ही नहीं रही फेस पे, फोटोग्राफर भी बार बार कह रहा है यार स्माइल स्माइल स्माइल, लेकिन स्माइल तो पता नहीं कहाँ चली गई थी, स्माइल तो आ ही नहीं रही। और बिल्कुल ऐसे हो गई थी जैसे पता नहीं क्या हो गया है मेरे साथ। तो फ़ोटोज़ भी मेरे सारे बहुत बेकार आए हैं लगन के टाइम के, तो बहुत ज़्यादा बेकार आए हैं। इवन मतलब सब लोग मुझे कह रहे हैं, और तब फ़ोटो के लिए मेरी बुआ आई तो वो तो ऑन कैम मतलब कैमरे के सामने ही रोने लगी। लेकिन वो सारी चीज़ें देख के अब हंसी आती है, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। लेकिन अब जब देखते हैं ना तो लगता है यार हमने कैसे अपनी फ़ोटो ख़राब कर दी, स्माइल भी नहीं की। लेकिन ये होता है, सबके साथ होता है, हमें पता होता है कि हमारी फ़ोटो ख़राब हो रही है, लेकिन उस टाइम पे कुछ नहीं समझ आता। उस टाइम पे जो मोमेंट होता है ना, वो अपने आप ही ऐसे हो जाते हैं हम लोग।